तो डर तो सबको ही है, घर में सामान होना जरूरी है। बंद हो जाएगा इससे पहले से ले लें सब सामान, स्टॉक कर ले। देश में अभी राशन को लेकर कैसी भगदड़ मची है, कैसी अफरा तफरी मची है। दिल्ली से मुंबई तक आई ये तस्वीरें आपको इसका हाल बता सकती हैं। सबसे पहले मुंबई की बात। मुंबई के मुलुंड की तस्वीर है। यहाँ घर का सामान खरीदने के लिए डी मार्ट के बाहर लंबी लाइन लगी। हर कोई आटा दाल चावल खरीदने के लिए बेचैन दिखा। मुंबई के कुर्ला में भी यही नजारा दिखा। यहाँ के सुपर मार्ट में लोगों की भीड़ थी। लॉकडाउन की अफवाह के बीच घर में राशन खत्म होने का डर था। हालांकि यहाँ हमें एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसने कम सामान खरीद कर लोगों से ना घबराने की अपील की। 340 का ही नॉर्मली बिल बना है, ज्यादा कुछ स्टॉक करके रखा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अगर बहुत सारा स्टॉक करके रखा तो ऑफकोर्स जो बाकी के जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, तो फेयर इनफ ही लेके रखा है। अब आपको दिल्ली के लोगों में दहशत का आलम बताते हैं। दिल्ली के खारी बावली में किराए की दुकान पर लंबी लाइन नजर आई। लोग राशन खरीदने के लिए घंटों कतार में लगे थे। एक व्यक्ति रिक्शे पर कई बोरी राशन खरीद कर ले जा रहा था। जब हमने उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने कहा घर में राशन जमा कर ले, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। 5 किलो तो 10 किलो इसके हिसाब से खरीद आएगा, घर के लिए कोई दिक्कत नहीं आ जाए। इकट्ठा करना पड़ा जी, कल का पता नहीं, कल बंद होगा नहीं होगा। वायरस पड़ेगा ज्यादा तो अभी ले लो, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। हाँ। मुझे तो लगता महीने भर की सारी भीड़ आज ही आ गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यही सोच लोगों को परेशानी में डाल रही है। लोगों के बीच लॉकडाउन की बिना मतलब की दहशत फैली है। लखनऊ के गोमती नगर में हनी मेन मार्केट की तस्वीरें देखिए। यहाँ राशन खरीदने वाले इस बात से परेशान थे कि अगर यहाँ लॉकडाउन हुआ तो घर में बच्चे खाएंगे क्या, परिवार भूखों मर जाएगा, लोग जिएंगे कैसे। ऐसा हो सकता है इसी वजह से बाहर निकलने पे पाबंदी लगाई जा सकती है, तो लोग बाहर इसी वजह सब्जी या बाकी चीजें खरीदारी ज्यादा हो रही है आज। अब सवाल ये कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की अपील को भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं। देश में डर का कारोबार बढ़ाने में आम जनता भी अनजाने ही सही शामिल क्यों हो रही है। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। देशहित में हम एक बात यहाँ साफ कर दें कि कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होने जा रहा। जरूरी चीजें जैसे घर का राशन और दवाइयाँ हर शहर में मिलेंगी, किसी जरूरी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और डरना तो कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राशन के अलावा महामारी सैनिटाइजर को लेकर भी मची हुई है। आलम तो ये है कि देश में सैनिटाइजर की एक तरफ कालाबाजारी शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ नकली सैनिटाइजर बाजार में भी कुछ लोग इससे काली कमाई करने में जुटे हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए बाजार में ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे सैनिटाइजर को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस क्या कहती है। अम्बाला से आई छापेमारी की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। अम्बाला में बीड़ी फ्लोर मिल है। यहाँ एक मकान में कुछ लोग बड़े पैमाने पर नकली सैनिटाइजर बनाने की साजिश रच रहे थे। किसी को शक न हो इसके लिए बाकायदा एक नामी दवा बनाने वाली कंपनी का लेबल बोतल पर चिपकाया गया था। इसकी सूचना खुद दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक ने अम्बाला के ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस को दी। मेरे को डिपार्टमेंट के थ्रू पता लगा कि ये आप लाइसेंस पे, आपका लाइसेंस नंबर है क्या, आप ये सैनिटाइजर बनाते हो। मैंने कहा सैनिटाइजर नहीं बनाता हूँ, तो ना ही मैंने कभी बनाया। ये दो तीन बंदे थे जो बना रहे थे घर पर। हाँ जी, मैंने इसके सूचना मिलने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम एक्शन में आई। छापेमारी की तो मकान से नकली सैनिटाइजर की 300 छोटी बड़ी बोतलें बरामद हुई। सैनिटाइजर बनाने की मशीनों के अलावा पैकिंग मटेरियल और कंपनी के लेवल भी जब्त किए गए और मौके से जयचंद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ड्रग एक्ट की धारा 27A में मुकदमा दायर किया जाएगा जिसमें की उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। आप सोचिए कि देश में कुछ लोग कैसे कोरोना से बढ़ते डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि डरे नहीं और सैनिटाइजर खरीदने की होड़ में शामिल ना हो, क्योंकि हम और आप बगैर सैनिटाइजर के भी दिन में कई बार हाथ धोकर भी कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अम्बाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।